स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम। अब जो सम आज हम करने वाले इसमें नया कंसेप्ट है और नया कंसेप्ट है करंट अकाउंट का। अब ये करंट अकाउंट क्या होता है जरा ध्यान देना। एक ही क्वेश्चन में एक बंदा जो है यानी कि जो पार्टनर है ये अपने दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक कैपिटल और एक करंट। कैपिटल और करंट का मतलब क्या है? कैपिटल और करंट का मतलब है जब एक बिजनेसमैन यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम लोग ने बिजनेस में 10,000 रुपया लगाया है, 20,000 लगाया है, 30,000, वो वैसा का वैसा रहने दो, उसको फिक्स कर दो, उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा दे रहे जिससे अपन बिजनेस करेंगे। मतलब पार्टनर डिसाइड करते हैं कि हमारा कैपिटल फिक्स हो जाएगा और बिजनेस करने के लिए और जो पैसा देंगे वो घूमते रहेगा, बदलते रहेगा, करंट अकाउंट फ्लक्चुएट होते रहेगा। समझ में आ रहा है? तो जब एक पार्टनर डिसाइड करता है कि हमारा कैपिटल फ्लक्चुएट होना चाहिए, मतलब कैपिटल फिक्स होना चाहिए और जो दूसरा पैसा है वो फ्लक्चुएट होना चाहिए, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं? करंट अकाउंट ओपन करते। समझ में आ रहा है क्या? मतलब पार्टनर डिसाइड करते भाई मैंने अगर तेरे बिजनेस में 10,000 इन्वेस्ट किया है, 20,000 इन्वेस्ट किया, वो फिक्स कर दे, उसको परमानेंट कर दे, उसको नहीं बदलेंगे अपन, और तुमको अगर और पैसे की जरूरत है तो हम लोग एक नया अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम रखेंगे करंट अकाउंट, और उसी के अंदर जो भी लेन देन करना है हम उसी से करेंगे। बात समझा? तो जब भी क्वेश्चन में दो अकाउंट आएगा, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, तो याद रखने का कैपिटल क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, और करंट अकाउंट क्या रहेगा? फ्लक्चुएटिंग रहेगा, बदलते रहेगा। अब तक 4 सम जब आपने फाइनल अकाउंट का किया था तो आपने देखा था ओपनिंग में कैपिटल का बैलेंस कुछ और होता है, क्लोजिंग में कैपिटल का बैलेंस कुछ और हो जाता है, मतलब कैपिटल बदलता है ना, फ्लक्चुएट होता है। बट आज के क्वेश्चन में कैपिटल नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है। तो जब क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट आया है तो कैपिटल फिक्स हो जाएगा, ये नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? करंट अकाउंट बदलेगा। तो सर हमको कुछ अलग बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, सेम अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल के जगह पे नाम बदल जाएगा और अब यहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। कुछ और नहीं, सिर्फ यहाँ पे आपको करंट अकाउंट लिखना है। बात समझा? इसके पहले कैपिटल लिख रहे थे, अब करंट लिखेंगे। एडजस्टमेंट सेम जैसा उधर सॉल्व कर रहे थे इधर भी वैसा ही करेंगे। खाली इतना है कि कैपिटल यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, तो जब ये अकाउंट क्लोज करेंगे तो कैपिटल मिल रहा था, अब कैपिटल नहीं मिलेगा। जब ये अकाउंट क्लोज होगा तो जो भी बैलेंस आएगा वो करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा। बात समझा क्या? फर्क समझ में आया क्या? तो जब भी आप नॉर्मल सम सॉल्व कर रहे थे, क्लोजिंग कर रहे थे, तो जो बैलेंस आ रहा था वो कैपिटल में लिख रहे थे, लेकिन अब जब अकाउंट क्लोज होगा तो कैपिटल में नहीं लिखेंगे, करंट अकाउंट करके लिखेंगे। समझाई आपको? पक्का? बस और कुछ चेंज नहीं है, इतना सा ही चेंज है। जब कैपिटल और करंट आएगा तो कैपिटल फिक्स हो जाएगा और करंट फ्लक्चुएशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? स्टार्ट करते हैं, मार्किंग की तरफ जाएंगे। फॉर्मेट एक बार चाहिए तो फिर से रिवाइज करते हैं और फिर मार्किंग करते हैं। पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? टू ओपनिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, लेस रिटर्न। ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेट एंड न्यू आईडी लेस ओल्ड आईडी, टू बैड डेट एंड फर्दर बैड डेट एंड न्यू आईडी लेस ओल्ड आईडी। ये आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। आगे बढ़ते आते हैं करंट अकाउंट में, सेम चीज, टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू ड्रॉइंग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इधर क्या था? सी डी, इधर भी वही है, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक। डी फॉर डेटर, डी फॉर डेटर, डी फॉर डेटर, डी फॉर डेटर, बराबर है। अब ये फर्दर बाय डेट और न्यू आईडी क्या है? एडजस्टमेंट है, तो एड एड देखो फाइनल अकाउंट सॉल्व करने का है तो ये सारे स्टेप्स आपको मालूम होने चाहिए। इतना करते हो इसमें अमाउंट लिखते हो तो भी एक डेढ़ मार्क कुछ नहीं, तो फॉर्मेट लिखिए, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट, परचेज का अमाउंट, सेल्स का अमाउंट, बैड डेट्स का अमाउंट, इतना भी लिखोगे तो डेढ़ दो मार्क्स भी मिलेंगे।
कुछ नहीं करने को आ रहा है भाई, इतना फॉर्मेट बनाओ, अमाउंट लिख के आओ तो भी 1.5-2 मार्क्स मिलने वाले। तो ऑप्शन में नहीं रखना है टॉपिक को, कंपलसरी टॉपिक है अपने को हर टॉपिक से कुछ ना कुछ मार्क्स निकालना ही है, क्योंकि हमारा लेवल इतना एक्सपर्टीज नहीं हो गया है कि हम लोग पूरा स्कोर करने वाले। देखो मेरा फोकस, मैंने स्टार्ट में बोला है, मेरा फोकस सिर्फ इतना है कि जहां पे जीरो मिलने वाला है वहां पे अपने को कुछ भी करके 25-35 तक तो आ ही जाना है, क्योंकि जहां पे फेल होने वाले तो फेल नहीं होना, हमको 25-30 मार्क निकालना ही है। 25-30 मार्क अगर इधर निकल जाता है, इंटरनल के अंदर 20 में से 15 मार्क निकलता है, तो मतलब 40-45 के आसपास तो आराम से पहुंच जाओगे, और 40-45 मतलब पास तो हो जाओगे। मेन फोकस मैं अभी जितने भी स्टूडेंट्स बैठे उनके लिए सिर्फ एक ही इतना है कि भाई तुम लोग फेल नहीं होने चाहिए, पास होने चाहिए। इसलिए ये हमने लेक्चर अरेंज किया है कि भाई तुम लोग ऑनलाइन बैठे ऑफलाइन बैठे, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कॉलेज का लेक्चर हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑनलाइन में भी क्या पढ़ाया नहीं समझा, इसलिए मैंने पूरा ये कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि तुम्हारा पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए। तो पूरे 22-20 दिन अपने हाथ में है, इसमें आज जैसे फाइनल अकाउंट वाइंड अप हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये नहीं कि भाई तुम लोग को प्रैक्टिस नहीं करना है, घर पे जाके प्रैक्टिस करना ही है। देखो तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, डाउट लेके आओगे, मैं डाउट क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन तुम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, मैंने पढ़ा दिया तुमने याद रखा, चलो छोड़ दो नया टॉपिक, ऐसा करोगे तो कोई मतलब का नहीं है तुम्हारा। 20 दिन पूरा मेहनत करना ही पड़ेगा, 2-3 घंटा यहाँ पे दे रहे हो तो 2-3 घंटा घर पे निकालो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, खुद से इनिशिएटिव लेके, देखो बार बार बोल रहा हूँ खुद से इनिशिएटिव लो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि अगर इधर भी आके फिर भी फेल हो जाओगे तो कुछ मतलब का नहीं है, पैसा वेस्ट है तुम्हारा। क्लियर? ओके बढ़ते हैं अब एडजस्टमेंट सॉरी मार्किंग की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। सुदर्शन ट्रेडर इज अ पार्टनरशिप फर्म इन विच राम एंड कृष्णा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड द लॉसेस इन द रेशियो 3:2। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2 का। आगे द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2018-19। ट्रायल बैलेंस 31 मार्च का आपको दिया है, मार्किंग करेंगे। पहला है ओपनिंग स्टॉक, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। नहीं, अभी कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड पे जाएगा, पहले से लिखा है ना कैपिटल, आपने पहले से लिखा है फॉर्मेट में कैपिटल क्रेडिटर्स क्लोजिंग स्टॉक लिखा है कि नहीं, तो यहाँ पे कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा, यहाँ पे कैपिटल लायबिलिटी साइड पे जाएगा, आपने लिख के रखा है अमाउंट लायबिलिटीज में लिखना है। समझा सर क्यों ऐसा? बिकॉज क्वेश्चन में करंट अकाउंट है, इसलिए करंट अकाउंट नहीं होता तो पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा। क्लियर? फर्क समझा? आज उसके बाद क्या दिया है? करंट अकाउंट दिया, करंट अकाउंट किधर जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर में ही जाएगा। समझ में आया? तो पार्टनर्स करंट अकाउंट वहाँ पे फिर से पीसी ही लिखना है। नेक्स्ट, परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। डेटर्स असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, बिल रिसीवेबल असेट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट। वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। नेक्स्ट, सैलरी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, आरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस, इन्वेस्टमेंट असेट, इन्वेस्टमेंट असेट होता है, वेरी गुड। लोन एंड एडवांस गिवन, दो टाइप का है, या तो दोगे या तो लोगे आप। हमने यहाँ पे सामने वाले को पैसा दिया है, हम लोग पैसे वाले लोग हैं भाई, हमने पैसा दिया है मतलब कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट हुआ है, आज नहीं तो कल उससे पैसा लेने का है, लेना है मतलब मिलने वाला है, एनीथिंग रिसीवर इज माय असेट, लोन एंड एडवांसेस गिवन इज योर असेट। लेकिन अगर ऐसा दिया रहता लोन एंड एडवांसेस टेकन, मतलब हमने उधार लिया है तो हमको पे करना है, एनीथिंग पेबल विल बी लायबिलिटी। समझ में आया क्या? अगर गिवन है तो असेट, टेकन है तो लायबिलिटीज। अंडरस्टूड? समझ में आया गुप्ता? आगे क्या दिया है? उसके बाद इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड ब्रैकेट में दिया है, परचेज ऑन 1/1/2019। मैंने आपको बताया किसी भी चीज के आगे परसेंटेज डेट कुछ भी आया मतलब हिडन एडजस्टमेंट है, मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट है, अभी स्टार मार्क करके रख देंगे कि भाई साहब आपके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर?
बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, ये तो आपका पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, मार्किंग करना है, एडजस्टमेंट रीड करना है और मार्किंग करना है। तो जरा देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या एडजस्टमेंट किया। पहला एडजस्टमेंट दिया है, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st मार्च वाज वैल्यूड एट 38,000। किसी को मार्क करेंगे क्या? नहीं सर, किसी को मार्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट, राम इज अलाउड सैलरी ऑफ रुपीज 6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड कमीशन एट द रेट 3% ऑफ नेट सेल्स। एडजस्टमेंट पार्टनर से रिलेटेड है, गुड से रिलेटेड एडजस्टमेंट, पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट। किसी को मार्क करते हैं क्या? नहीं सर, किसी को मार्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। वापस से पार्टनर से रिलेटेड है, किसी को मार्क करेंगे क्या? नहीं सर, किसी को भी मार्क नहीं करेंगे। नेक्स्ट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 5% पर एनम। तो एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है, तो प्लांट एंड मशीनरी को मार्क करेंगे। भाई साहब आपके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो प्लांट एंड मशीनरी को मार्क करना। नेक्स्ट बढ़ते हो, उसके बाद देखते हैं क्या दिया है। ₹3,000 फ्रॉम अवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। कस्टमर यानी के डेटर्स, कस्टमर यानी के डेटर्स। एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर है, तो जरा डेटर्स को मार्क करो। भाई साहब आपके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो सेल्स के नीचे आपको डेटर्स मिल जाएगा, डेटर्स को मार्क कर लो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹500। एडजस्टमेंट इंश्योरेंस के ऊपर है, इंश्योरेंस को मार्क करो। भाई साहब आपके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब क्या करना है, तो अब आपको इसका पोस्टिंग करना है। पोस्टिंग करने के लिए ध्यान में रखना है, अगर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम। चलो एक एक करके बताते जाओ, मैं लिखते जाता हूँ। पहला क्या है, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कौन है प्रॉफिट एंड लॉस वाला? ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट कितना? 36,000। वेरी गुड। उसके बाद क्या है, कैपिटल कहाँ जाएगा? लायबिलिटी। देखो आपने लिख के रखा पहले से, कैपिटल कितना राम का? 1,60,000। और कृष्णा का? 80,000। टोटल 2,40,000। काउंटर कॉलम में 2,40,000 लिख देता हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, करंट अकाउंट। बराबर है, करंट अकाउंट करंट में जाएगा कितना? 8,000 राम का और कृष्णा का। दोनों क्रेडिट साइड पे दिया ना, ऐसा कुछ तो क्रेडिट डेबिट दिया, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, राम का क्रेडिट पे दिया है और कृष्णा का डेबिट पे दिया है। तो हमेशा याद रखना, क्रेडिट वाला क्रेडिट पे जाएगा और डेबिट वाला डेबिट पे आएगा। तो राम का क्रेडिट में बैलेंस दिया था, क्रेडिट में लिखा, और कृष्णा का डेबिट में दिया, तो यहाँ पे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कृष्णा के अकाउंट में 4,000। अरे बात समझा क्या? पक्का? देखो यहाँ पे भी मिस्टेक कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट के अंदर कुछ नहीं, डेबिट वाला दिया है डेबिट में, क्रेडिट वाला दिया है क्रेडिट में। अभी राम का बैलेंस क्रेडिट दिया था, क्रेडिट में लिखा, कृष्णा का डेबिट में दिया था, डेबिट में लिखा, राम में डैश किया, कृष्णा में 4,000 डेबिट पे लिखा, और ये क्रेडिट साइड पे लिखा। समझा? डेबिट का चीज डेबिट पे ही जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट पे ही जाएगा, इतना ध्यान में रखना। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है, परचेज किधर जाएगा? कितना है? 1,00,000 रुपए। वेरी गुड। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग का कितना है? 2,08,000। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, डेटर्स कितना? 1,73,500। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स कितना है? 41,800। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, काउंटर कॉलम में। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल इज माय असेट। एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर। तो बिल रिसीवेबल कितना है? 47,000। नेक्स्ट, उसके बाद किधर जाएगा? लायबिलिटी कितना है? 21,000। नेक्स्ट, उसके बाद कमीशन कहाँ जाएगा? डेबिट पे दिया है कि क्रेडिट पे?
डेबिट पे दिया है तो डेबिट पे लिखेंगे, एडजस्टमेंट है क्या नहीं, तो टू कमीशन 2,800। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, वेजेस किधर जाएगा, एडजस्टमेंट है क्या नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। टू वेजेस कितना है 1760। नेक्स्ट उसके बाद किधर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट है क्या नहीं सर, एडजस्टमेंट नहीं है। टू सैलरीज 8,000। अच्छा 3,000 ठीक है, भड़कने का नहीं, 3,000। उसके बाद क्या है, फर्नीचर किधर जाएगा असेट में, एडजस्टमेंट है क्या नहीं है सर, कितना 25,000 आउटर कॉलम में डायरेक्टली। नेक्स्ट उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी एडजस्टमेंट है, वेरी गुड, प्लांट एंड मशीन असेट साइड पे कितना 63,000, वेरी गुड। नेक्स्ट अब डेबिट पे दिया है कि क्रेडिट पे, क्रेडिट पे दिया है, क्रेडिट मतलब कितना 1,000 रुपए क्रेडिट पे दिया है, ब्रैकेट में डाल दो ओल्ड आर डी डी ए, समझा। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट किधर जाएगा, असेट साइड पे जाएगा इन्वेस्टमेंट, एडजस्टमेंट है क्या नहीं सर, कितना 10,500। नेक्स्ट उसके बाद कहाँ जाएगा, असेट साइड पे, वेरी गुड, लोन एंड एडवांसेस कितना है 240। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट है क्या हाँ, इंश्योरेंस कितना है 2,500 इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, बैड डेब्ट, डेबिट पे क्या क्रेडिट पे, डेबिट पे क्या है कितना है 500, वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड 12% गवर्नमेंट बॉन्ड कहाँ जाएगा, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड कहाँ जाएगा, अपन ने उसके पर डिस्कस भी नहीं किया वो टाइम पे, वेरी गुड, चलो ठीक है काफी ध्यान देते। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड डेबिट पे दिया है कि क्रेडिट पे दिया है, देख लेना, डेबिट पे दिया है तो असेट और क्रेडिट पे दिया है तो लायबिलिटी, समझ में आया क्या। तो यहाँ पे 12% गवर्नमेंट बॉन्ड डेबिट साइड पे अमाउंट आया, मतलब आपका असेट है, असेट साइड पे लिखेंगे और इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है, तो 12% गवर्नमेंट बॉन्ड 15,000 इनर कॉलम में लिख रहा हूँ क्योंकि एडजस्टमेंट है, समझा यहाँ तक, वेरी गुड। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद और कुछ है क्या नहीं सर, पोस्टिंग तो हो गया, अब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट, क्लियर है यहाँ तक। चलो एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया। एडजस्टमेंट नंबर वन, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 वॉज वैल्यूड एट 38,000। अब ये भी एडजस्टमेंट है, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आने वाले, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड, इधर क्रेडिट हो गया और बैलेंस शीट असेट मतलब डेबिट हो गया, बात समझ में आया क्या। तो दो इफेक्ट क्लियर है, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे कितना लिखना है 38,000, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, बैलेंस शीट असेट साइड पे 38,000, क्लियर विद दिस, पक्का समझा। बढ़ेंगे आगे सेकेंड एडजस्टमेंट पे, देखते क्या दिया है। राम इज अलाउड सैलरी एट द रेट 6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड कमीशन एट द रेट 3% ऑन नेट सेविंग्स। राम को 6,000 रुपया सैलरी देना है, बराबर है, अब राम को देना है मतलब राम तो पार्टनर है, तो एक इफेक्ट तो पार्टनर के अकाउंट में आएगा, बराबर है। अब राम को जब सैलरी देना है तो बिजनेस के लिए खर्चा है कि फायदा है, तुम ही बोलो, राम को पगार देने का है, खर्चा है कि फायदा है, खर्चा है, और जो भी खर्चा है वो किधर जाएगा, बराबर है। राम को सैलरी और कृष्णा को कमीशन दोनों मेरे लिए एक्सपेंस है,
और जो भी एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे जाएगा, तो डेबिट साइड पे लिख देता हूँ। टू सैलरी टू राम कितना देने का है? 6000। जैसे ही लिखा गुप्ताइन जी का आवाज आया, सर जी ये तो एवरी एडजस्टमेंट है, डेबिट साइड पे लिखा मतलब डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे लिखा मतलब डेबिट इफेक्ट देने का है। अब राम के लिए ये एक्सपेंस है क्या? इनकम है भाई, पगार मिलने वाला, तो मेरे लिए तो फायदा है, और जो भी फायदा है उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय सैलरी। किसको मिला? राम को। कितना? 6000। अरे बात समझा क्या? समझा यादव? इफेक्ट समझा भाई? मेरे लिए खर्चा है, जो भी खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, और किसको देने का है? पार्टनर को, तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट किया। तो ऐसा क्यों? एवरी एडजस्टमेंट टू इफेक्ट वन डेबिट और वन क्रेडिट, इधर डेबिट हो गया तो दूसरा क्रेडिट देने का, तो राम के अकाउंट में जाएगा क्योंकि पार्टनर का है। समझा? पक्का। वैसे कमीशन भी देना है 6% नेट सेल्स का, तो मेरा नेट सेल्स कितना है? 2,08,000। कोई रिटर्न वगैरह तो है नहीं, तो 2,08,000 का कितना परसेंट चाहिए? 3% चाहिए। अब 3% कैसे निकालेंगे? तो 10% मतलब 10 कम, और 1% मतलब 20 कम, 2080। वापस से 1% ले लेते 2080, वापस से 1% ले लेते 2080, टोटल करेंगे तो 3% आ जाएगा। 0, 24, 2, 2 और 6, अरे बराबर है। तो 6,240 रुपया कमीशन पे करना है किसको? कृष्णा को। तो ये कमीशन मेरे लिए एक्सपेंस है क्या इनकम है? सर एक्सपेंस ही है आपके लिए। तो टू कमीशन टू कृष्णा कितना? 6,240। जैसे ही लिखा गुप्ता इनका आवाज है, सर जी ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है, डेबिट साइड पे लिखा मतलब डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे लिखा मतलब डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। अब कृष्णा के लिए एक्सपेंसिव का इनकम है, कृष्णा के लिए एक्सपेंसिव का इनकम है, कमीशन मिल रहा है, इनकम है, तो बाय कमीशन कृष्णा को मिलेगा 6,240। समझ में आया क्या? एडजस्टमेंट समझा है? पक्का समझा है? बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5%। हमेशा याद रखना, क्या हो बेटा? नहीं समझ लो, पर अतिक्रम चला वापस एक बार पिछला एडजस्टमेंट देखते, समझ में नहीं आया। यहाँ पे दिया था कि भाई जो राम है उसको 6,000 रुपया पगार देना है, और जो कृष्णा है उसको 3% कमीशन देना है, पे करना है। कौन पे करने वाला है? बिजनेस। अब बिजनेस को तेरे को पैसा देने का, इसको पैसा देने, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हिसाब किताब बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, तो बिजनेस के नजरिए से सोचेंगे अरे इसको पैसा देने का, उसको पैसा देने का, तो मेरे लिए तो खर्चा है, और जो भी खर्चा है वो डेबिट में आएगा। क्यों ऐसा? बिकॉज हमने नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। खर्चा हो रहा है तो डेबिट, और फायदा हो रहा है तो क्रेडिट। अभी मुझे पगार देने का है तो खर्चा है, कमीशन देने का तो खर्चा है, इसलिए डेबिट हो गया। और मैंने बताया एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आएंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो ये डेबिट तो हो गया। अब क्रेडिट किसको दिया? पार्टनर को, तो पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। समझा? राम को राम का अमाउंट, कृष्णा को कृष्णा का अमाउंट। अभी समझा? बढ़ू नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे? वेरी गुड, ध्यान देना नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर करंट के जगह पे कैपिटल दिया रहेगा तो भी ऐसे ही सॉल्व करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या याद रखने का? नीचू। 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 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के नीचू। कैपिटल किधर आता है? सर इधर आता है, आज नहीं आया बट आएगा तो इधर ही
आज इधर चला गया बट रहता तो इधर ही है आया नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के नीचे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के नीचे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के नीचे, वैसे ही आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ड्रॉइंग के नीचे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ड्रॉइंग के नीचे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ड्रॉइंग के नीचे, याद रहेगा क्या, याद रहेगा क्या, वापस एक बार, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के नीचे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ड्रॉइंग के नीचे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के नीचे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ड्रॉइंग के नीचे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के नीचे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ड्रॉइंग के नीचे, याद रहेगा, पक्का याद रहेगा, आएगा सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है मेरा, ठीक है लिख दो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, समझा, ये कौन सा इफेक्ट हो गया, कौन सा साइड है, ये कौन सा इफेक्ट हो गया, दूसरा इफेक्ट डेबिट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होता है कि जो पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगाया है वो बोल रहे भाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो मेरे लिए तो खर्चा है, और जो भी खर्चा है वो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंडरलाइन करके राम और कृष्ण, ये समझा, अभी खाली अमाउंट निकालेगा, अमाउंट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के नीचे, इसका मतलब इधर क्या रहता है, कैपिटल आज इधर आ गया बट रहेगा तो उधर ही, तो वही अमाउंट में इधर लिख रहा हूँ 160,000 और 80,000, ये उनका अमाउंट है ना, मैंने लिख दिया। अब इसके ऊपर कितना परसेंट कैलकुलेट करने बोला है, 5%, तो 160,000 का 5% कितना आएगा, 10% 16,000, तो 5% कितना, 8,000, अरे बराबर, 10% 8,000, तो 5% कितना, 4,000, अरे समझा, अमाउंट समझा क्या, हमेशा याद रखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी आप कैलकुलेट करते हो बाय डिफॉल्ट पर एनम होता है, पूरे साल का होता है, अगर डेट बोला रहता तो अपने को डेट बोला तो उतने महीने का कैलकुलेट करेंगे, डेट नहीं बोला है तो पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे, तो इधर 160,000 का पूरे साल के लिए 5% 8,000, 80,000 का पूरे साल के लिए 5% 4,000, समझा गया, आपने इफेक्ट पहले से देके रखा है, खाली अमाउंट भर दो, 8,000 4,000, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, 8,000 और 4,000, टोटल 12,000 एक साथ, या तो अलग अलग करके लिखो तो भी चलेगा, बात समझ में आएगा, yes, पक्का समझा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के नीचे याद रखने का और उधर लिख देने का, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए खर्चा है तो यहाँ पे लिख दिया, समझा, समझा गया। अब अमाउंट वहां पे नॉर्मली कैपिटल होता था बट आज नहीं है, आज वो इधर है इसलिए हमने वर्किंग बनाया और उसके ऊपर कैलकुलेट किया, नहीं तो वो वहीं पे रहेगा, उसी का 5% 10% जो भी बोला कैलकुलेट करने का अमाउंट उधर ही मिल जाएगा, इधर भर देंगे, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, देखते क्या दिया है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 5% पर एनम, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, डेप्रिसिएशन का मतलब असेट का वैल्यू कम करना, बोले तो माइनस करना, तो भैया माइनस लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, जरा बताओ कितना आएगा, 10% 6,300, 10% 6,300, 6,300 का आधा कितना आएगा, तो 6,300 का आधा आएगा 3,150, बराबर है, यहाँ पे 3,150, जैसे ही लिखा आवाज आई, सर जी ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है, टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट है, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट है, दूसरा पे डेबिट, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कितना डेप्रिसिएशन, 3,150, समझा, ये समझा, बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है एडजस्टमेंट, आगे दिया है रुपीज 3,000 फ्रॉम अवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल, बाद में सॉल्व करेंगे फुर्सत में, बैड डेट से, ये तो नॉट रिकवरेबल मतलब पैसा नहीं मिलने वाला है, तो पैसा डूबने वाला है, और जो पैसा डूबने वाला उसे बैड डेट्स कहते हैं, और बैड डेट्स का एडजस्टमेंट
लास्ट में सॉल्व करते हैं। जिसको ये नहीं समझ में आया है तो उधर लिख के ले लो, वहां पे दिया है अवर कस्टमर नॉट रिकवरेबल, मतलब पैसा डूबने वाला है, और पैसा डूबने वाला है मतलब बैड डेट्स, क्लियर। और बैड डेट्स का एडजस्टमेंट लास्ट में सॉल्व करते हैं, क्लियर हुआ क्या। बढ़ेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, प्रीपेड इंश्योरेंस रुपीज 500 आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड। तो यहाँ पे प्रीपेड है, लेस करेंगे, लेस प्रीपेड कितना 500। जैसे ही लिखे गुप्ताइन जी बोले सर जी ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, प्रीपेड मतलब पैसा एडवांस में दे दिया है तो बेनिफिट मिलेगा, एनीथिंग रिसीवेबल इज योर असेट साइड पे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है 500 रुपए, बराबर है कि नहीं, ठीक है 500। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है सर, खत्म हो गया, बैड डेब्ट रह गया है, बराबर है। तो बैड डेब्ट में अपने को सिर्फ एक ही चीज पूछने का है, अमाउंट है क्या परसेंटेज है, अमाउंट है क्या परसेंटेज है, अमाउंट है क्या परसेंटेज। अभी क्या है सर, अमाउंट दिया है 3000, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडी, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडी। अभी अमाउंट दिया है तो भाई लिख दो फर्दर बैड डेब्ट 3000 इधर 3000 इधर, ब्रैकेट डाल दो। अरे समझा, सारे एडजस्टमेंट हो गए, अभी भी एक बाकी है हिडन एडजस्टमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड वाला। अब पहला इसके बारे में समझते और फिर एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट दिया है 12% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज ऑन 1/1/2019। मतलब क्या है इसका सोनू, कि मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा है, खरीदा मतलब पैसा इन्वेस्ट किया तभी अपने को मिला है। तो मैंने गवर्नमेंट बैंक बॉन्ड जो दिया उसको हटा दो, कि मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। एक एग्जांपल, मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, जब बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है 3 महीने के बाद जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ 1000 डिपॉजिट किया था, 1200 रुपया हो गया, कैसे ब्याज मिला रहेगा, खाया नहीं। तो वैसे यहाँ भी कुछ हुआ है, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड का मतलब है कि मैं जिस चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे ब्याज देने वाला है 12%, देने वाला है, मिला नहीं, मिलने वाला है, बात समझ में आया। अब ये हमने कभी इन्वेस्ट किया वो डेट दिया है 1 जनवरी 2019 को, मेरा साल कभी खत्म हो रहा है मार्च में, मतलब जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ब्याज मिलेगा, मिला नहीं है, मिलेगा, बराबर है, आउटस्टैंडिंग है कितना 12%, कितना 12%, तो 15000 का 12% जरा कैलकुलेट करते कैसे, तो 10% कैलकुलेट करो कितना आएगा 1500, एक जीरो कम, और 1% कैलकुलेट करो कितना आएगा 150, और एक 1% कैलकुलेट करो 150, टोटल कितना 1800। अरे बराबर, बट ये जो आया है 12 महीने का आया है और एनम है ना, तो पूरे साल का अगर 1800 है, हमारा कितना महीने का बाकी है 3 महीने का, बराबर है। तो पूरे साल के लिए अगर 12 महीने के लिए 1800 है तो 6 महीने के लिए कितना 900, और 3 महीने के लिए कितना 450। एडजस्टमेंट कितने का है 450, बात समझा क्या। अरे समझा, यहाँ पे 450 रुपया आउटस्टैंडिंग है, लिख दिया भाई 450। जैसे ही लिखा गुप्ताइन बोली सर जी ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। अब ये ब्याज मिलने वाला है ना, तो फायदा है कि नुकसान है, फायदा है तो किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड,
कितना? 450। अरे समझा? अब पूरा सम कंप्लीट हो गया है। अब ये सम का क्लोजिंग आज तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ कि देखो इसका क्लोजिंग जम रहा है या नहीं। आज ये क्लोजिंग तुम खुद से करोगे और टैली करके दिखाओगे। ठीक है, थैंक यू।